लेकर आए हैं सैंडविच। और ये सैंडविच और सैंडविच जैसे नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी और करारे और साथ ही साथ बहुत ही चटपटे सैंडविच हैं। और इन सैंडविच को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मात्र 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। ये सुबह सुबह के नाश्ते में आप बना सकते हो या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बनाकर रख सकते हो। इन सैंडविच के लिए आपको बस कुछ सब्जियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं तो ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट भी है। तो सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने कुछ सब्जियां ली हैं, एक प्याज ली है, थोड़ी शिमला मिर्च ली है, एक टमाटर लिया है और एक ही हरी मिर्च ली है। अब सारी सब्जियों को हम जो है मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को आप बारीक काट कर ही लें। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया है सब्जी मसाला, क्योंकि सब्जियाँ हैं तो 1 चम्मच, और नमक 1/4 चम्मच, और बहुत ही कम लाल मिर्च ली है, और ये मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है भुना हुआ जीरा। और हम इसमें डालेंगे दही। अब ये दही है तो ये सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा बनाएगा, और हमको लग रहा है दही थोड़ा कम है तो 1 चम्मच और डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सर बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, ये वाइट ब्रेड हैं। तो ब्रेड को लेकर हम ये सारी सब्जियों का मिक्सर जो है ब्रेड पे चारों तरफ इसको फैला लेंगे अच्छे से। तो फिर हम और ये सैंडविच जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार इस सैंडविच को आप ज़रूर बनाएं। और इस दूसरे ब्रेड से हम इसको ऐसे कवर कर देंगे। मैंने दोनों सैंडविच बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको तवे पे सेक लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी। तो यहाँ जो है तवा अच्छा गर्म है। अब हम इस पे दोनों ब्रेड एक साथ ही हम रख देंगे, और बिल्कुल गैस हमने बहुत ही कम लो फ्लेम रखा है। तो इस तरह से घुमाते हुए इनको थोड़ा सा चेक भी कर लें बीच में कि ये सही है कि नहीं। अब इनको पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा। ये हम जब तक इनको सेकेंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तो यहाँ पे इनको दोनों तरफ से गोल्डन करने के लिए थोड़ा बटर और लगाना पड़ेगा, ताकि दूसरी साइड भी ये अच्छे से कुरकुरे से बन के तैयार हों। तो मैं अब ये दूसरी तरफ भी पलट के दिखाती हूँ। देख रहे हो ये बहुत ही एकदम करारा बन के तैयार हुआ है। तो आप ध्यान रखें गैस को बिल्कुल ना बढ़ाएं, और लो फ्लेम पर ही आप इसको टोस्ट को बना के तैयार करें। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। मैंने गैस ऑफ कर दी है, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये जो है मैं काट कर दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी है। ये काटने से पता चल रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी बना है। तो अब जो है हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो